नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुणाल और आप देख रहे हैं आपका अपना क्लासरूम ज्ञान अभियान। चलिए आज इस वीडियो में सीखते हैं क्लास 9th के एक्सरसाइज 13.5 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए क्यूबॉइडिकल पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप एट द रेट ऑफ रुपीज 30 पर मीटर क्यूब। एक गड्ढा खोदना इस तरह से, जो दे रखा है कितना 8 मीटर लॉन्ग है और ये 6 मीटर है और ये 3 मीटर डीप है। ठीक है, तो इस गड्ढे को खोदने में जो खर्च आ रहा है वो उसका रेट है 30 रुपीज पर मीटर क्यूब। तो उस कंडीशन में टोटल कॉस्ट क्या आएगा, टोटल खर्च कितना आएगा, ये हमें बताना है। तो इसका सॉल्यूशन लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास गिवन है एल 8 मीटर, B इक्वल टू दे रखा है 6 मीटर और H हमारे पास है 3 मीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम निकाल लेंगे। सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम इक्वल टू क्या निकल के आएगा, फॉर्मूला होता है एल बी एच, इसका मतलब हो गया 8 × 6 × 3। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा मीटर क्यूब। 8 × 6 = 48 और 48 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 मीटर क्यूब। ये हो गया हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम किस चीज का निकल के आया, इस गड्ढे का वॉल्यूम हमने निकाल लिया 144 मीटर क्यूब। लेकिन अभी हमें निकालना है कॉस्ट। तो यहां दे रखा है रेट ऑफ डिगिंग इक्वल टू दे रखा है रुपीज 30 पर मीटर क्यूब। तो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट इक्वल टू ये 144 मल्टीप्लाइड बाय में 30 और ये आएगा आंसर रुपीज में। तो ये हो जाएगा रुपीज, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जा रहा है 0 और ये हो जा रहा है 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12 113 और 3 × 1 = 3 और 1 ये 4320 रुपीज। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो टोटल जो कॉस्ट आ रहा है इसको इस गड्ढे को करने में, ये आ रहा है 4320 रुपीज। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।